हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 बार फॉर्मूला। मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं वज़न कम होता है कि नहीं होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे बोला कि अगर हम चाहें ना तो घर का काम करते करते भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो बस वही मैं आप लोग के साथ आज के वीडियो में शेयर करूंगी। जैसे कि ये देख लूँ, मैंने साड़ी घरी, वो मुझे बता रही थी, वैसे ही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जैसे कि साड़ियों को घरी करते समय मैंने उनको ज़मीन पे रख लिया, कोई भी कपड़े घरी करते समय मैंने उनको ज़मीन पे रख लिया और उसके बाद इस तरीके से एक एक करके उठाते चले, धीरे धीरे घरी करते चले इस तरीके से, तो उससे भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन अगर हमको सच में पतला होना है, तो अगर हम अपने मन में ठान लेना कि हमें पतला होना है, हमें स्लिम होना है, तो देखो अगर हम हाउसवाइफ कुछ भी काम सोच लेना कि हमको करना है, तो बस वो 101% हो जाएगा। हाँ, पर कुछ आदतें हम लोगों को बदलनी होंगी। तो कौन कौन सी वो आदतें हैं जो हमको बदलनी होंगी? तो सबसे पहले तो लेट खड़े होने की आदत है जो हमको बदलनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हमको अलग से एक्सरसाइज करना पड़े, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, हमारी लाइफ की जो डेली लाइफ होती है ना, उसमें भी इतने सारे एक्सरसाइज होते हैं जो हम करते रहते हैं, फिर भी हमको और थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बताते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे कि कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज हमारा आइसक्रीम खाने का मन था, तो मैंने कहा हेल्दी आइसक्रीम किस तरीके से बनाई जाए जिससे कि वेट ना बढ़े। तो दूध की आइसक्रीम हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है उसमें, पर क्या करेंगे, हमने नारियल की बनाई है, नारियल को हमने पीस लिया था, उसमें भी दूध जैसा निकलता है ना, तो हमने उसको जमाया, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है और आपकी बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ने देती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये मैं बगल वाली छोटी सी क्यूट सी, हमारे बगल में एक बच्ची रहती है, उसको देने के लिए जा रही थी मैं, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है और वो मेरे घर पे आके खेलती रहती है, आ जाती है, तो मैं उसके घर पे दे आती हूँ फटाफट से। और फिर फ्रेंड, हमको काम करते करते, एक्सरसाइज करते करते भी थोड़ा बहुत तो हमको आराम की भी ज़रूरत रहती है। तो आधे घंटे करीबन मैं सो जाती हूँ और उसके बाद फिर शाम का अपना जो भी रूटीन है वो शेयर करूँगी, जो भी एक्सरसाइज है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ जगने के बाद। एक घंटा हो गया था, उसके बाद मैं जाग गई थी और ये देख लीजिए, और उसके बाद फिर मैं अपना बाल सही कर रही थी और उसके बाद थोड़ा मुंह बहुत धोऊंगी, फ्रेश होंगी और उसके बाद देखते हैं क्या काम करते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ आज के बाद आप लोगों के साथ ऐसी ही वीडियो शेयर करूँ जो कि आप लोगों के बहुत काम आए। देखो हर, मुझे पता है अपने इंडिया में कम से कम 95% लोग पतला होने की सोच रहे हैं, कुछ लोग तो हैं, लेकिन कुछ लोग जो हाउसवाइफ होती है ना, वो शादी के बाद अपना मेंटेन नहीं कर पाती अपना फिगर। मैं भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं कर पाता। बहुत लोग अपने खाने पे कंट्रोल कर करके कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी देखो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। पहला तो यही है कि कोई भी 32 बार चबा के खाना खाओ, ठीक है? तो चलिए अब दिखाती हूँ, चलती हूँ आप लोगों को किचन में, ले जाती हूँ किचन में क्या बन रहा है। तो ये देख लीजिए भैया, अभी किचन में कुछ अच्छा अच्छा सा बन रहा है। देखो कोई भी आदतें हो, हमको एक, मतलब एक साथ तो नहीं वो बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी। तो ये देख लीजिए, हफ्ते में हमको एक बार व्रत रखना चाहिए, तो रखना ही चाहिए, हल्का फुल्का खाना चाहिए। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय, और चाय बनाने के बाद देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास रखे हुए थे चावल, मैं उनको फ्राई कर रही थी, मैंने बहुत कम तेल डाला है और थोड़े से सिंगदाने लिए हैं, और उसके बाद फिर मैंने एक प्याज ली है और एक लिया है हमने टमाटर और फूल गोभी। देखो सब्जियां हम जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है, गोभी को भी मैंने भून लिया है। चावल हमारे बन चुके हैं, तो मैं इनको खाऊंगी नाश्ते, मतलब शाम का जो नाश्ता होता है उसमें, और सुबह मैंने रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि अभी हम 32 बार फॉर्मूलों की थोड़ी बहुत, मतलब
कोशिश कर रहे हैं कि हल्का फुल्का कम खाने की, जिससे कि हमारा वेट लॉस जल्दी से हो जाएगा। और कहते हैं कि चावल रोटी से हल्के चावल पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने चावल रखे हुए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। दाल थी नहीं, वरना मैं दाल से खा लेती। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैंने 12 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है आज। और अभी लेने जा रही हूँ सब्जी, घर का सारा काम निपट चुका है, बस बर्तन रह गए, उनको मैं धोऊंगी आके। पहले मैंने कहा सब्जी ले आती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद सब्जी बहुत कम बचती है और सस्ती भी मिल जाती है, तो मैं फटाफट से सब्जी ले आती हूँ और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या सब्जी ले आई हूँ और हमारे यहाँ सब्जियों के क्या क्या भाव चल रहे हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। फ्रेंड, मैं रहती हूँ चौथे मंजिल पे, चौथे मंजिल पर नहीं, अगर हम पार्किंग जोड़ेंगे तो मैं रहती हूँ पांचवें मंजिल पे। तो सब्जी वब्जी लेने के लिए, कोई भी चीज़ लेने के लिए जाने जाती हूँ तो चौथे मंजिल पे मुझे चढ़ के आना पड़ता है, और उतर के जाने में ही थक जाती हूँ, ऊपर से वजन लाती हूँ, तो वैसे ही मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो कम से कम एक दिन में 3 से 4 बार मैं ऊपर नीचे हो लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत तो वज़न कम होगा ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वज़न बढ़ गया है तो मुझे थोड़ा कम करना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी सब्ज़ी लेकर आई थी तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो ये सारी सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ मैं, जैसे कि ग्वार की फली हो गई, आलू हो गया, प्याज, टमाटर, ये सारी सब्जियां मैं लेके आई थी। लेकिन आलू कैसे लाई मिले थे, आलू को थोड़ी मिट्टी लगी थी, तो मैंने कहा पहले आलू को धो के रख देती हूँ सूखने के लिए, और फिर उसको डलिया जो होती है ना जिसमें हम रखते हैं उसमें हम रख देंगे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए, धनिया है, धनिया को मैं थैली में बंद करके रख दूँगी। क्या होता है, क्योंकि अगर हम धनिया को ऐसे ही रख देते ना तो फ्रिज में, तो फ्रिज में भी धनिया मुरझा जाती है। तो मैं हमेशा पालक हुई, मेथी हुई, इस तरीके से थैली में बंद करके रखती हूँ। चलिए लेके चलती हूँ मैं आलूओं को धोने के लिए फटाफट से। तो जो हरी सब्जी है इसको फ्रिज में रख देते हैं और बात का हम बाद में देखेंगे, जो सब्जी मुरझा जाती है उसको फटाफट से मैं फ्रिज में रख देती हूँ और बात का बाद में देखेंगे। पहले आलू धो के रख देते। क्या होता है कि हम नीचे से जब थीना चढ़ के आते हैं ना तो हम थक जाते हैं। तो चलिए, मुझे भूख भी लग रही थी तो सबसे पहले मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ। तो आप लोग हमारा खाना देख लीजिए। एक आम लेकर आई थी तो मैंने आधा आम लिया है, और जो चावल थे थोड़े से वो चावल लिए हैं, और मठे की सब्जी थी वो, दो रोटी है, इतना मेरा खाना है। देखो शुरुआत में तो ऐसे ही करूँगी धीरे धीरे, वरना आप लोग ये बोलोगे कि वेट लॉस करना, मतलब वेट मैंने देखा है जो मेरे जैसी जो हाउसवाइफ है कम से कम 8-8 रोटी खा लेती हैं, लेकिन मैं तो फिर भी 8 रोटी नहीं, अभी सिर्फ मैं 2 ही रोटी लेकर आई हूँ, ये देख लीजिए। और मतलब ये कहने का कि मैंने शुरुआत कर दी है वेट लॉस की, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फटाफट से हम अपना खाना फिनिश कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, भैया पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है, कहीं ये काम वो काम, ये सफाई वो सफाई, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का मैं पूरा कोशिश करूँगी। फिर आ गई हूँ पीने का जो पानी चल रहा था, तो मैंने कहा बोतल भर के रख देती हूँ वरना पानी बंद हो जाएगा, तो मुझे खुद मोटर चालू करने जानी पड़ेगी और चालू मतलब बंद भी करने जानी पड़ेगी। तो फटाफट से जितनी भी बोतल है उनको धो के अच्छे से मैं भर के फ्रिज में रख देती हूँ, और जिससे कि कोई ना कोई मांगने आ जाता है ठंडा पानी तो अच्छा रहता है ना, फ्रिज में रखा रहे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं अच्छे से बोतलों को भर के रख दूँगी, और उसके बाद का काम अभी बाकी है। तो चलिए आलू भी धोने हैं अभी मुझे फटाफट से, पहले मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ फिर आलू धोती हूँ। तो ये देख लीजिए, जितने भी आलू उनको मैं अच्छे से, वैसे तो आलू अच्छे थे बस सिर्फ मिट्टी लगी हुई थी, इसके लिए सस्ते मिल रहे थे, वैसे तो 20 रुपये किलो मिल रहे थे लेकिन ये वाले 15 रुपये किलो मिल गए। और देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े आलू, बस इन पर सिर्फ मिट्टी लगी हुई थी, धो के नहीं लाए थे दुकान वाले, तो मैंने कहा हम घर पे जाके धो लेंगे, सस्ते मिल रहे तो अच्छा है ना। तो सारे आलू को मैं इस तरीके से धो के थाली में रख लूँगी, और ये सूख जाएंगे तो हम डलिए में भर के रख देंगे। तो आप लोग बताना कि देख, छलनी में ही रख देती हूँ जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा, ये देख लीजिए। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो आपको एक काम और करती हूँ फटाफट से, वो दिखाती हूँ कि जो कूलर है उसके ऊपर हमको स्प्रे करना, यानी कि जो लोहे की जो कोई चीज़ होती ना उस पर जंग लग जाती, तो उस पर हमको
पेंट करना होता है, तो बस उसी तरीके से ये नए तरीके से पेंट है। तो आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से पेंट करूंगी मैं। तो सबसे पहले मैं कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो ये देख लीजिए जैसे कि मैंने धो के सब्जी लेने गई थी ना, तो उससे पहले मैंने धो के रख दिए थे, सूखने के लिए नहीं डाले थे। तो अभी फटाफट से सूखने के लिए डाल देती हूँ। इनके 2 दिन के कपड़े हो गए थे क्योंकि बाहर गए थे, तो 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सारे कपड़े फटाफट से धोए, फिर सब्जी लेने के लिए गई। आने के बाद तो आप लोगों को पता ही है मैं छोटे छोटे कपड़े मैं बाहर नहीं डालती हूँ, गिर जाते हैं कितनी भी चिमटी लगाओ तो भी। अब दिखाती हूँ आप लोगों को, अब हम इस पर पेंट करेंगे कूलर पर। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, इसके जितना भी लोहे की जो मतलब लोहे की है ना, जिस पे जंग सी लग रही है, उसको हम अच्छे से पेंट करते जाएंगे। ये देख लीजिए, इसको ब्रश व्रश की ज़रूरत नहीं है, एक स्प्रे टाइप का है तो इससे अच्छे से पेंट हो जाता है। ये देख लीजिए, तो अभी हम आप लोग को पास से दिखाएंगे कि किस तरीके से ये होता है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं मुँह मान लेती हूँ पहले, तो मुझे इसकी स्मेल बहुत अजीब सी लग रही थी, वैसे भी पेंट की स्मेल अजीब सी ही होती, तो आप लोग को पास से दिखाती हूँ कि कैसे काम करता है। तो ये देख लीजिए, ये है ना, तो इस ये देख लीजिए इस तरीके से ये पेंट कर हो जाता है, हमको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरीके से। ये देख लीजिए, तो ये झंक नहीं लगेगी। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मैं वेट लॉस वाली वीडियो आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना।